सो नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग हैं पुष्कर फेयर में। पुष्कर फेयर में कुछ घोड़े आए हैं एमपी से। सो हम जो भैया हमारे सामने हैं फ्रेम में, उनसे जानते हैं कि ये कौन से घोड़े हैं और कौन, या फिर ये कोल्ट्स हैं या स्टैलियंस हैं, और या फिर इनकी क्या डिटेल्स हैं। तो बताएं भैया, नमस्कार। जय राम जी की भैया। जय राम जी की। ओके, चले आपका भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ भैया एमपी इंदौर से। एमपी इंदौर में कोई पर्टिकुलर जगह? अपने गांव का नाम है बड़ी कलमेर। बड़ी कलमेर एयरपोर्ट से है 15 किलोमीटर। ओके 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 ओके। सो आते हैं हम सीधा पॉइंट पे। आप कौन से घोड़े लेके आए हैं? दोनों घोड़े हैं अपने, एक तो रतनदीप है। हाँ, और एक देवराज है। अच्छा अच्छा, एक देवराज लेके आए हैं और एक रतनदीप लेके आए हैं। सो रतनदीप का डिटेल एक बार आप बताइए प्लीज। रतनदीप है भैया उदयपुर पैलेस ब्लड से। उदयपुर पैलेस से, जो कि आज लुप्त तो हो रहा है। ठीक है। और अभी ये दो दांत अब यहाँ पे आके ही तोड़े हैं इसने, पुष्कर मेले में। ओके। और अभी 29 मंथ का हुआ है। 29 महीने का हुआ है अभी ये। और ये पैलेस लाइन का है? पैलेस लाइन का बच्चा है। सो इसके सायर के बारे में बात करें अगर हम, तो इसके सायर का नाम है बादल। बादल जो कि राजहंस पंजाब सुखविंदर सिंह बादल के पास है, उसका बच्चा था बादल। ओके। और ये उसका बच्चा है, ये बादल का पोता हो गया। बादल राजहंस का था। हाँ जी। और बादल कहाँ पे था? बादल अपने इंदौर में ही था। इंदौर में ही था जी, अभी वहाँ महाराष्ट्र में है। सो वहीं ब्रीड हुआ फिर ये घोड़ा? ब्रीड हुआ था अपने। ओके। सो डैम साइड से क्या डिटेल है इसका? डैम इसकी पचकल्याण है। पचकल्याण है। ओके। और आपके पास ये कब आया और आपने किससे कहाँ से लिया? मेरे पास ये आया था 14 महीने का था, तब आया था ये मेरे पास। 14 महीने का लिया और अभी 29 महीने का है ये। सो क्या डिफरेंस मतलब इसमें आया, और क्या अभी पैलेस लाइन तो वैसे भी धीरे धीरे ग्रो करती है काफी, और काफी लंबे टाइम तक करती है। तो ये अभी कितना हाइट का हो चुका है? लगभग अभी हो गया 63 से प्लस। ओके। तो इसने दो दांत कर लिए, अभी भी मिल्क टीथ में है? मिल्क टीथ से दो दांत में जस्ट उतरा है, पुष्कर में आके एक केप निकाली है। अच्छा। और एक रह गई है, दिखाऊं क्या? हाँ हाँ हाँ, काफी लोगों को आइडिया भी लगेगा इससे कि कैसे, देखो कैसे कैप उतरती है। एक केप उतर गई है, एक उतर रही है। जी जी जी, राइट बात है। सो हाइट मेजर आपने इसका किया, कितना लगभग हाइट में आ गया ये? 63 से बाहर है। 63 से बाहर है जी। ओके। तो आप इसको मेला घुमाने लाए हैं कि सेल के लिए लाए हैं कि रिंग के लिए लाए? हिसाब से लाया हूं। सेल के हिसाब से लाए हो, सीधी बात, नो बकवास। हाँ, सीधी बात। मतलब अच्छा कोई, मतलब पैसे देने वाला मिला, बायर भी अच्छा नहीं, मतलब अच्छा कोई प्राइस देने वाला मिला तो देना है। ओके। क्योंकि ब्लड अच्छे अच्छे घर में जाएगा तो ही देंगे, नहीं तो आप। ब्लड बहुत स्ट्रांग है, मतलब जो राजहंस की मदर है लेली, वो पीछे से अपना सुल्तान की है। ठीक है। मतलब ब्लड इसमें 2-3 कॉम्बिनेशन है। फिर आगे आ जाता है इसकी एक राजकीर्ति करके थी, राजकीर्ति जो थी शायद अपने राज तिलक की मदर। ओके। वो डायरेक्ट उस घोड़ी की थी अपने देवली की। देवली की, देवली की सबसे बड़ी बच्ची वो थी। मतलब इसमें देवली ब्लड भी है, पहले देवली सुल्तान 3-4 का कॉम्बिनेशन है, एवरीथिंग इज देयर। सो काफी स्ट्रांग बच्चा है। और बाकी तो उसकी एटीट्यूड और बाकी सब तो इसका देख ही रहे हैं लोग विजुअल्स में, है ना। और मेन प्लस पॉइंट इसका ये है कि उदयपुर पैलेस में एक तो जेड मतलब कलर में ब्लैक और फुल ब्लेज बहुत कम मिलता है। उदयपुर पैलेस लाइन का फुल ब्लेज एंड ब्लैक। और ये स्टैलियन टू बी क्या लगभग हाइट इसका मानते हैं आप? लगभग क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि कितनी लगभग? 65 तो हो जाएगा जब ये मेन स्टैलियन बन जाएगा फुल। 65 अजम्पशन है। ओके, ठीक है। तो एक्सपेक्टेडली ही विल टर्न 65 इंचेस स्टैलियन, और जो कि काफ़ी व्यूज और काफ़ी सुंदर दिखने वाला स्टैलियन बनने वाला है ये, क्योंकि अभी तो ये कोल्ड कैटेगरी में ही है। कवरिंग भी दे दी है। ओके, घर की घोड़ी। ओके, घर की घोड़ियों पे इसको कवरिंग दी है आपने। सो वेरी नाइस, होपफुली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स ऑफ दिस कोल्ड। सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं भैया। ये है देवराज। देवराज, हाँ, ये अपने पास है भगत, उसका बच्चा है। ओके। और अपने घर की होम ब्रीड है ये। ओके, घर की होम ब्रीड है जी। देवराज भगत का हो गया जी जी। और भगत किसका है भैया? भगत अली शान का बताया था आपने, जिसके यहाँ पे ब्रीड हुआ उन्होंने, तो बता के दिया है भगत को। हाँ, अली शान का बाकी क्वालिटी सामने है। बाकी हाँ जो है वो सामने है। हाँ,
क्योंकि हमने डायरेक्टली अगर हमारी घोड़ी पे कवर नहीं कर पाया में हमको काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। किसी ने उसको सप्ताश का भी बताया है, किसी ने अलीशान का बताया, मतलब काफी जो मिले बहुत कंफ्यूजन क्रिएट है। और जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक उसका डीएनए भी करवाना सही नहीं है। और डीएनए तो अपन करवाएंगे क्योंकि बच्चों को नाम मिल जाएगा फादर का, बच्चों को नाम मिल जाएगा। सो भगत की बात करें यानी कि इसके शायर की बात करें तो वो कैसा प्रोड्यूसर है, कैसा घोड़ा है? हमारे एमपी में तो मतलब उसके इतना मारवाड़ी ना कोई चला है ना कोई चल सकता है मेरे हिसाब से। तो बाकी अच्छा। अगर हुआ तो देखो तो एमपी में काफी मतलब अच्छा घोड़े तो काफी है, पर प्रोड्यूस उसने जो किया है वो शायद कोई कर पाएगा। बहुत भगत ने बहुत सा प्रोड्यूस किया है ब्यूटी के मामले में। राइट बात है, राइट बात है। तो देवराज उसका फर्स्ट कोल्ट है जो स्टैलियन में कन्वर्ट हो गया। देवराज का भगत का एक कोल्ट कोटा में खड़ा है, इससे बड़ा है वो। ओके वो है 63 का है। ओके और उसके बाद का ये स्टैलियन तैयार हुआ। ओके तो लगभग ये कितनी हाइट में अभी होगा? ये भी 63 से बाहर है। 63 से बाहर है। और अगर इसकी उम्र की बात करें एग्जैक्टली कितनी उम्र में होगा ये? 45 मंथ का हो गया है। 45 महीने का हो गया। ओके तो इसके मतलब आपके जो फ्रेंड हैं मेन ओनर जो हैं वो भगवान सिंह जी आई थिंक है। भगवान सिंह जी सोलंकी। हाँ जी। ओके ओके ओके। सो ये घर की ब्रीड है, होम ब्रीड है? घर की ब्रीड है। सो इसकी माँ का क्या डिटेल है? इसकी माँ सेवड़िया मठ लाइन से। सेवड़िया मठ लाइन से। जी जी जी। ओके उसका रंग क्या है? वो कुमेदी थी। वो कुमेदी और माथे पे ब्लेज। और पंजाब में खड़ी है। और भगत का रंग क्या है? भगत ब्लैक है, माथे पे ब्लेज है और दो पीछे के पैर वाइट है। ओके भगत के ब्लेज है, पीछे के दो पैर वाइट हैं। जी। सो भगत के कितने बच्चे मतलब जिनमें से फीमेल्स और मेल्स लगभग अभी तक कितने हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हैं या एमपीएम को मिला के सब जगह पे? भगत के लगभग 4-5 बच्चियां तो गुजरात में खड़ी है बनासकांठा में, और करीबन 4-5 घोड़े तैयार एमपी में हो रहे हैं उसके। एमपी में तैयार हो रहे हैं जी। ओके और अभी नेक्स्ट साल एक और लाने वाले हैं हम भगत का बच्चा। आपके पास भी एक है शायद? मोर मुकुट करके। मोर मुकुट आपके पास है? वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। वो भी भगत का बच्चा ही है? भगत का ही है। भगत का। सो भगत ने ज्यादातर मेल दिए आई थिंक कोल्ट मेल दिए ज्यादा, फिलीज भी हैं बट मेल ज्यादा हैं। हां मेल ज्यादा दिए। सो वेरी नाइस। और कुमेद कलर में है ये और मार्किंग इसकी पंच कल्याण आई थिंक है ना, इसका एक रिजल्ट भी आ गया है। पंच कल्याण मार्किंग में है? हाँ, देवराज मार्किंग में जो आपने कवर किया था। इसका कोल्ड आ गया है, इसका रिजल्ट आ गया है आपने? आप विजुअल में बताना आपके व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका रिजल्ट आपके पास है? हाँ जी मेरे पास। आपकी घोड़ी पे? हाँ वो नवरत्न की है, डायरेक्ट नवरत्न भंवरथला। हाँ जी। ओके ओके ओके। सो बढ़िया भैया, दो अच्छे कोल्ट पुष्कर में बहुत ही यूनिक कोल्ट्स आए हुए हैं जिनको आप ने पूरे डिटेल में डिटेल के साथ देखा ही है। सो भैया एक बार आपका नंबर बता दो प्लीज। मेरा नंबर है 9669779770523523। जी बहुत बढ़िया। और आपका अभी जो पुष्कर में जो कैंप है ये किस तरफ लगा रखा है? मेरा कैंप है मोतीसर रोड पे है और जस्ट देव ये गणेश जी गुजर के कैंप के जस्ट सामने है और गैरी गिल जी के सामने, वीर स्टड फार्म ऑफ गैरी गिल जी के उनके जस्ट सामने सामने ही है आपका फार्म। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच भैया। डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच।